So, hey guys, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे सीगेट की एक्सपेंशन सीरीज का जो पोर्टेबल हार्ड टाइप है जिसको आप एक एक्सटेंडेबल हार्ड डिस्क की तरह भी अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से इस्तेमाल कर सकते हो, इसका क्वालिटी कैसा है, इसका रिटर्न राइट स्पीड भी कैसा है, क्योंकि हम लोग इसको आज अनबॉक्सिंग तो करेंगे, उसके साथ साथ मैं इसको फुल टेस्ट करूंगा जिसके बाद मैं आपको एक अच्छा खासा रिव्यू दे पाऊंगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो का अगर आप आखिर तक देखते हो तो आपको इस हार्ड डिस्क के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप फ्यूचर में इस हार्ड डिस्क को खरीदते हो तो आपको फायदे मिलेगा या फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो का देखने के बाद आपको ये सारा जो डाउट है आपके मन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको इसका जो फुल टेस्टिंग है, मतलब ये क्या ये USB 3.0 सपोर्ट करता है या फिर USB 2.0 पे ही चलता है, ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे क्लियर कर दूंगा। और जो रीडर है स्पीड उसको देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि ये कैसा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलता है। तो इस पूरा चीज को आज हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों बिना बात करें इस हार्ड डिस्क को हम लोग अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस हार्ड डिस्क को अमेजोन से परचेस किया है और ये 1.5 TB का एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो कि USB 3.0 के सपोर्ट में आता है और ये मुझे करीब 4,000 रुपये के आसपास पड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइस ऑनलाइन जो स्टोर है वहाँ पर वेरी करता है, तो आप ज़रूर देख लेना, जब आपको अच्छा डील मिले तब आप ज़रूर इसको खरीद लेना अगर आप इसको खरीदना चाहते हो। तो चलो हम लोग इसको ओपन करके झटपट और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो मेरे पास अभी कोई सीजर्स नहीं है तो मैं हाथ से इसको ओपन करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये सीगेट का एक्सपेंशन सीरीज का एक हार्ड डिस्क है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेंशन और 1.5 TB टू पोर्टेबल HDD डेटा रिकवरी सर्विसेज इंक्लूडेड, तो इसके साथ आपको डेटा रिकवरी का सर्विस में भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेंशन सीरीज का हार्ड डिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्टेबल टाइप फॉर योर PC। ओके, सो यहाँ पर कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर USB 3.0 भी है और USB 2.0, मतलब बेसिकली दोनों ही सपोर्ट करता है, ठीक है, और कंपेटेबल विथ विंडोज। तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, रिफॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड फॉर मैक। अगर आपके पास आप इसको मैकबुक में मतलब मैक ओएस पे या फिर जो एप्पल की डिवाइस है वहाँ पर इंस्टॉल मतलब यूज़ करना चाहते हो तो आपको बस इसको एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा और बेसिकली ये इसके लिए भी कंपेटेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो बेसिकली जो लिखा हुआ है वो इसका कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस चलो हम लोग अब इसको ओपन करते और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका फर्स्ट लुक है, यहाँ पर ब्रांडिंग दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा मुझे लगता है इसका जो इनर साइड होगा वो बढ़िया होगा। तो चलो इसको यहाँ पर इसका सील लगा हुआ है तो हम लोग इसको ओपन करेंगे सील को। तो ये ओपन हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो चलो तो यहाँ से एक और भी है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, उतार लेते हैं फिर से। तो अब ये ओपन हो चुका है, यहाँ से बस इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा। मैंने कहा शॉर्ट को यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ना ये 3D पार्ट जैसा कुछ है, देखो ये ऊपर ऐसा उठा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये बेसिकली एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप इसको फील कर सकते हो हाथों से, ठीक है। प्लास्टिक का कुछ टुकड़ा है, कागज़ का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग का जो मेन हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर है। तो चलो इसको बाहर निकालते हैं हम लोग हार्ड डिस्क को अपना। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर अटक रहा है शायद से। तो ये आ गया हम लोग का हार्ड डिस्क, ठीक है। ये हार्ड डिस्क इस पैकेजिंग के अंदर आता है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर इसका केबल लगा हुआ है और यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है, ठीक है। ये रिकवरी इसके लिए है, ठीक है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है रिकवरी के लिए तो आप यहाँ से इसको रिकवरी कर सकते हो। सीगेट मेरे ख्याल से आपको 3 ईयर्स की एक वारंटी देता है, ठीक है। तो अगर आपको आपका 3 ईयर्स के अंदर आपका हार्ड डिस्क का कुछ होता है तो मेरे ख्याल से ये आपका हार्ड डिस्क को रिपेयर या फिर आपका जो डेटा है उसको फिर से आपको
मतलब बैकअप करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग को बॉक्स के अंदर से ये चार चीज़ें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग ये जो हार्ड डिस्क है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है, मतलब इसका फिजिकल क्वालिटी कैसा है। तो आपको बस यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, जैसे आप मिठाई वगैरह ओपन करते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बेसिकली मैंने हार्ड डिस्क के लिए कोई केसिंग वगैरह नहीं मंगवाया है, बस हार्ड डिस्क ही मंगवाया है। तो अगर आपको अपना हार्ड डिस्क को थोड़ा और भी ज़्यादा प्यार से रखना है तो आप किसी केसिंग भी ले सकते हो, 200 रुपये के आसपास आता है एक केसिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो इसका ऊपर एक कवर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको ओपन करना पड़ेगा। और ये रहा हम लोग का हार्ड डिस्क, जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर एक सीगेट का ब्रांडिंग दिया गया है। आप यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो, मेरे ख्याल से सीगेट लिखा हो गया है यहाँ पर, अच्छा ही लग रहा है दिखने में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फिनिश है ना, ये 3D फिनिश है, ठीक है। ये जो फिनिश आप देख सकते हो डायमंड एज फिनिश दिया गया है। आप अगर इसको मतलब अपने उंगली से इसको फील कर सकते हो, ये कोई मतलब पेंटिंग नहीं है, ये एक 3D मतलब 3D यहाँ पर 3D का एक इफेक्ट दिया गया है। ये पीछे भी वही सेम चीज़ है, आप हाथ से इसको फील कर सकते हो। और जो साइड है यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा मैट फिनिश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो USB 3.0 माइक्रो USB का पोर्ट लगा गया है, जिसको आपको ये इसका एक केबल भी मिलता है, ठीक है, इसके साथ वही सेम केबल, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये लाइट है, तो जब आप इसको कमरे के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये लाइट यहाँ से चलेगा। तो अब हम लोग इसका केबल को एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले भी सीगेट का हार्ड डिस्क खरीदा है, वो 1 TB का था, लेकिन मतलब 2-3 बार वो हार्ड डिस्क मेरे हाथ से गिर गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा था कि हार्ड डिस्क चलना बंद हो गया था। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि हार्ड डिस्क को मतलब ध्यान से यूज़ करें, ठीक है, उतना लापरवाही से इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो USB 3.0 माइक्रो USB का एक दिया गया है, जो कि USB 3.0 का है। तो हम लोग को बस इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है और ये आप अभी अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको इसको अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, और अगर आपको इसमें पार्टीशन करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो हे गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो का पूरा आखिर तक देखने के बाद आपको सीगेट की एक्सपेंशन सीरीज के पोर्टेबल बैग के बारे में अच्छा खासा जानकारी मिल चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका फर्स्ट लुक से लेकर इसका फुल रिव्यू एंड इसका जो स्पीड है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ फायदा तो जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रेगुलरली आपके लिए कमेंट करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमय जयते।